सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, सवाल नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, 5 मिनट लगने टोटल। चलिए फॉर्मेट बना लिया जाए। दरअसल आज काफी काम था, सोचा था क्लास लूँ ना लूँ, ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन भी हो तो कर तो लेंगे ही ना। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है, ए ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली पर्टिकुलर गिवन बिलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। एमबी दे रखा है, एफआर दे रखा है, एसआर दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है, वैकेंसी भी दे रखा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ा बढ़िया करा इन्होंने, पूरे महीने एनुअल दे दिया करके। वैकेंसी भी दे रखा है, अनरियलाइज रेंट भी दे रखा है 1 मंथ का, म्यूनसिपल टैक्स पेड भी दे रखा है आपको, और एक्सपेंस रिपेयर ग्राउंड रेंट। ही हैड बोरोड अ सम ऑफ ₹20 लाख 10% पर एनम फ्रॉम LIC। भैया किसी से लिए हो आपने, चलेगा। 1-8 रिकॉग्नाइज जो हो, 2016 में लिया आपने ₹20 लाख का उधार, जिसके ऊपर रेट है सर 10%। कहता है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कंप्लीटेड 2020 में। तो 2020 में हुआ तो हम कब के लिए निकाल रहे हैं? असेसमेंट ईयर क्या है? 21-22, यानी हम किसका करेंगे, 20 और 21। और 20 में कब हुआ, ध्यान दीजिए, एक तो हमारे 20-21 में घर कंप्लीट हुआ या 19-20 में हुआ, पहले तो ये डिसाइड करना है। तो सर हमारा घर उस साल कंप्लीट हुआ है पिछले साल, जिस साल का टैक्स निकाल लें उस साल नहीं, पिछले साल। तो ठीक है सर, हम फटाफट से लिख लेते हैं। एमवी सर 2.5 लाख, एफआर सर 280, एसआर सर 260, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट 260, एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल। सवाल कहता है, सर हमारा 3 महीने का खाली रह गया, तो 25,000 गुणा में 9। तो देखिए सर, 25,000 गुणा में 9 कितने होते हैं? 1 महीना खाली, अच्छा 1 महीना खाली और 1 महीने अनरियलाइज रेंट, तो 1 महीने खाली और 1 महीने अनरियलाइज रेंट, तो 10 हो जाएगा ये, तो सर 2.5 लाख। अब रूल के हिसाब से देखा जाए, आप कैलकुलेट करके देखोगे कि पूरे साल का क्या उससे ज्यादा बन रहा है, 3 लाख बन रहा है। तो इसका मतलब अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा जीएबी में, सर लोअर, दैट इज 250। माइनस क्या कर दें, एमटी। एमटी में कहता है कि म्यूनसिपल टैक्स हाफ बॉर्न बाय टेनेंट, तो 25 का 12.5 ही मिलेगा, क्योंकि आधा टेनेंट ने बॉर्न कर लिया। 250 माइनस में 12,500, 237। इसके बाद लेस कर देंगे 24A। कितना आसान सवाल था ना ये, 24B। सर 30%, आज तो मेरे पास भी कैलकुलेटर है तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब सर 24B निकाल लेते हैं। 16, 16 जो है हमें कहां से कहां तक निकालना है सर? 16 के अंदर 1-8 हुआ, तो 1-8 का अगर आप काउंट करते हो तो कितने बनते हैं पूरे साल में? ये कौन सा महीना है, अगस्त? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मार्च तक काउंट कर रहे हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने हो गए हमारे किसमें, 16 सर 17 में होते हैं हमारे 8 महीने, 17-18 में होंगे पूरे 12 महीने, 18 और 19 के अंदर हमारा होता है 12 महीने, 19 और 20 के अंदर घर बन चुका है, तो इसका तो डिडक्शन लेना ही नहीं है, तो यही रहा सिर्फ। तो 24 और 8, 32 महीने, तो इंटू में 32 डिवाइडेड बाय 12, 32 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 1/5। सवाल में एक बात और नहीं बताया, क्या नहीं बताया सर, के ये आ गया हमारा कितना आ गया, 66,000 है,
देख लेते हैं, 20 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 32 डिवाइडेड बाय 12, हाँ 1,66,100, 1,066 ये आ गया। इसके बाद सवाल आता है सर करंट ईयर का लोन रीपेड हुआ है कि नहीं, कहता है लोन स्टिल अनपेड। अगर सवाल में नहीं भी बोलता तो अजम्पशन लो कि अभी पेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, करंट ईयर का भी निकाल लेते हैं। तो करंट ईयर का तो 20 लाख पे 10% 2 लाख आ जाएगा, डायरेक्टली निकाला है तो 2 लाख ये आ गया 306,666। तो सर 237,500 माइनस 1,616,416 1,40,416 ये लॉस है, यही है। लीजिए जी, कितने जल्दी सवाल हो गया। ये तो बड़ा सिंपल था, 10 नंबर का ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए आपके पेपर में। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर अगर कंस्ट्रक्शन 30/4 को कंप्लीट हुआ होता तो क्या करते हैं सर? तो हम 30/4 को कंप्लीट होता तो यहां पे 19 और 20 को भी कवर कर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। हाउस प्रॉपर्टी से जो थ्योरी आता था वो थ्योरी मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, और कोई थ्योरी ऐसा आएगा नहीं हाउस प्रॉपर्टी में से, सिर्फ प्रैक्टिकल है जो कि हम प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से। अगर आप सेल्फ भी करने बैठो तो एक आध पॉइंट में डाउट आ सकता है, सॉल्यूशन गिवन है आपको समझ में आ सकता है इसका। अगले सवाल पे चलें, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें मजा आएगा थोड़ा सा। अरे चलिए सर, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं तो क्लास कैसे लेना है? विशाल आप न्यू स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप बेसिक खत्म करेंगे, बेसिक खत्म करने के बाद फिर टू बी कंटिन्यू आपको हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कर सकते हैं बेसिक के बाद। देखो बेसिक करने के बाद आप कोई भी चैप्टर पिक करो फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले बेसिक कर लें और बेसिक के बाद मैं तो सजेस्ट करूंगा सर सीक्वेंस से ही चलें, बेसिक करें, रेजिडेंशियल करें, सैलरी करें जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है तो वेट नहीं करना। आप दिन भर में 2 क्लास 3 क्लास भी ले सकते हो और फिर एचपी पे आ जाएंगे आप धीरे धीरे। हाँ कैपिटल गेन वाला जो इवनिंग में आज क्लास है वो टीटीएस में शाम को जो चल रही है वो तो आप साथ के साथ ही खत्म करें। पिछली क्लास में थ्योरी का पोर्शन खत्म हो गया था जिसका प्रैक्टिकल से ऐसा कोई बड़ा लेना देना नहीं है, आज से उस कैपिटल गेन के अंदर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक 67 साल उम्र का व्यक्ति है और नॉन रेजिडेंट है, ऑन हाउस इन इंडिया, उसका एक घर है लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से, इसने घर को किराए पे दे दिया 1 अक्टूबर 1/10/2020 में घर को किराए पे दिया है इसने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कंप्लीटेड 2020 सितंबर में, यानी सितंबर में भैया हुआ ही था तो अभी देगा ये। द हाउस लेट आउट मंथली 50,000 रेंट, देख रहे हो ये 50,000 रुपए रेंट दे रहा है ये पर मंथ का रेंट। मंथ कुड नॉट बी रियलाइज, कहता है कि मंथली है रेंट ऑफ 1 मंथ, इसमें से बेचारे का इतना महंगा रेंट लेगा तो 1 महीने का डूब ही गया। 1 मंथ का रेंट कुड नॉट रियलाइज का मतलब नहीं मिला। अदर डिटेल आपको गिवन है सर, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है पर मंथ, म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन है, आउट ऑफ टैक्सेस पेड ईयर 30,000 आउट ऑफ दिस, कुछ कुछ बातें बताया, देख लेंगे जब हम म्यूनिसिपल टैक्स देखेंगे। आगे कहता है एक्स टुक अ लोन, मुद्दे की बात यह है एक्स ने एक एलआईसी से सितंबर 15 में ले लिया, यानी 1/9/2015 में लोन ले लिया। सर कितने का लिया लोन? 10 लाख रुपए का, और क्या रेट से लिया? सर 12% के रेट से ले लिया पर एनम। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस 2 लाख रुपए वॉज रीपेड, 2 लाख रुपए 31 मार्च 2018 को कर भी दिया इसने पेड, 31/3/2018। यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बन रहा है, 2 लाख यानी इसके बाद का जो कर्जा आपका चलेगा वो चलेगा 8 लाख रुपए का, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट अनपेड सो फार, ठीक है सर। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम इनकम, नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स असेसमेंट ईयर 2021-22,
ही स्पेंट 30,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट, याद होगा मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर कर रहा है, ही एक्सपेंस मेडिकल ट्रीटमेंट हिज डिपेंडेंट ब्रदर हु सफरिंग फ्रॉम डिसीज स्पेसिफाई रूल बाय बोर्ड। तो बताइए किसी भाई बहन का इलाज करते हैं तो एटी डबल डी डिसेबिलिटी वाला, एक एटी डी था वो तो इंश्योरेंस करवा लो आप मेडिक्लेम, और एटी डबल डी किसका था आपका डिसेबिलिटी, और एटी डबल डी बी भी डिसेबिलिटी का था, वहां पे दोनों में परसेंटेज अलग अलग था। तो ये सारी बातें देख रहे हो, पूरा क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया डिडक्शन नहीं करा वो बच्चा पागल हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या पॉइंट आ गया लास्ट में। इसलिए डिडक्शन मैंने बीच में उतना करा दिया जो कि सवाल आपसे ज्यादा से ज्यादा रुके ना, ठीक है। कहता है डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी डबल डी बी, बोलता है एलिजिबल है सर, एटी डबल डी बी में कितना था लिमिट था वहां पे, तो वो हम अभी देखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इसका ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। और ऑनर्स देखिए, ऑनर्स के अंदर एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, चाहे बच्चा पीटीपी का हो, पर्सनल टैक्स प्लानिंग भी है ऑनर्स के अंदर बच्चों के पास, तो चाहे बच्चा पीटीपी का हो तो घबराना नहीं है, ऐसा ही सवाल आ सकता है आपका। तो समझो एक तरीके से जिस बच्चे के पास पर्सनल टैक्स प्लानिंग जिस बच्चे ने ले लिया ना वो तो गिफ्ट है, फ्री फंड का एक आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जिसको आप स्कोर कर लोगे। क्योंकि अगर कोई बोलता है ना कि सर इन दोनों में फर्क क्या है, नथिंग, कुछ भी फर्क नहीं है, आप इनकम टैक्स पूरा पढ़ के जाते हो और पीटीपी पर्सनल टैक्स प्लानिंग का सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चन देखोगे लगेगा बिल्कुल सेम ही है। वैसे हालांकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है कोई भी बुक इसकी, सेम ही आप पिछले पेपर आप डीयू के डाउनलोड करो तो आपको पता रहेगा इसका आंसर क्या लिखना है, बस वहां पे क्या होता है डिसीजन मेकिंग करना होता है कि भैया क्या करना चाहिए। चलिए सर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या कहता है ये सर, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40,000 रुपये पर मंथ, तो एमवी सर 40,000 कितने महीने, 12 महीने, 12 महीने कैसे, घर तो बना है अक्टूबर सितंबर में तो घर बन के अक्टूबर में से तो घर बना ही है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, यहां से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी सर अक्टूबर 6 महीने, कितने महीने होंगे सर 6 महीने, 12 तो ले ही नहीं सकते म्युनिसिपल वैल्यू, यानी 6 महीने सर 240। आगे चलते हैं म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, उसको तो बाद में देखेंगे, बाद में आ जाता है, कुछ और तो दे नहीं रखा, एसआर एफआर कुछ भी नहीं दे रखा, तो एफआर लेना है तो लीजिए, नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं ले लेता हूँ एफआर, अजम्पशन ले लेंगे अगर एफआर, तो सर एफआर क्या बनेगा 50,000 गुणा में 6, यानी एफआर बनेगा कायदे से देखा जाए तो 3 लाख, एक अजम्पशन है जो रेंट होता है उसी के हिसाब से ले लेते हैं हम, हालांकि नहीं लो तब भी फर्क नहीं पड़ता। सर ईआर आ जाएगा, सर ईआर क्या आएगा रूल के हिसाब से 3 लाख, और एक ए ट्रिपल आर क्या आएगा सर, हमने 6 महीने किराए पे मकान दिया है लेकिन उसमें से 1 महीना जेन्युइनली खाली था हम ये मान के चल रहे हैं, तो 50,000 गुणा में 5, हालांकि कितने हो गए 2,50, और एक्चुअल देखा जाए तो अब लोअर ही कॉन्सेप्ट आएगा जो कि जीए भी आ गया हमारा 2,50। किसी को कोई दिक्कत, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है सर एफआर कहाँ से आए, इसे मिटा देते हैं, एफआर का कोई रोल नहीं, आप कंपेयर जब भी करेंगे तो 240 250 में से तो 50 ही आएगा, समझ गए बात आप, कोई दिक्कत नहीं। सर रेजिडेंशियल स्टेटस में क्लास 4 और 5 की वीडियो नहीं सिर्फ नोट्स है, मैं देख लूंगा आज पिंकी क्या है, नहीं है आपने मुझे बता दिया तो मैं आज देख लूंगा कि क्या अवेलेबल है, अभी जाके चेक करा लेते हैं। थोड़ा सा ड्राइव के अंदर एक इशू भी आ गया है, ओ आपके एप्लीकेशन पे नहीं, कुछ थोड़ा सा अपडेट चल रहा था तो जहां मैं सारी वीडियोस रखता था वो चेक कर लूंगा। जी ए बी लास्ट में क्या कर देंगे, एग्जामिनर ने इसमें बहुत दिमाग लगाया अपना कि इस बच्चे को परेशान किया जाए, बोलता है कि आउट ऑफ विच, कहता है म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, ड्यू कितना है आउट ऑफ विच पेड ड्यूरिंग द ईयर 30, जिसमें से 30 पेड कर दिया, आउट ऑफ दिस 30 20 इज पेड बाय द ऑनर, कहता है इस 30 में से भी 20, देखो 40 था बाकी, 40 में से भैया हम तो दे रहे हैं 30, और इस 30 में से भी कहानी इसने घुमाई कि इस 30 में से भी 20 पेड बाय ऑनर और 10 पेड बाय द, तो सही है आप अगर 20 पेमेंट कर रहे हो तो आप एलिजिबल 20 के लिए हो और बाकी के लिए नहीं हो, तो कितना डिडक्शन मिलने वाला है 20, जिसने बेसिक कंसेप्ट देखिए, पहले बेसिक कंसेप्ट में इसलिए वहां पे ज्यादा टाइम लगा देता हूँ ताकि अभी दिक्कत ना हो, पता चल जाए भैया ऐसा है। अगर है म्युनिसिपल टैक्स जिसने नहीं पढ़ा, सोचा है म्युनिसिपल टैक्स से माइनस ही तो करना था, छोड़ दे, तो फिर वो इस क्वेश्चन में क्या आएगा फंस जाएगा आके, तो
कि भैया 30 करें 40 करें, कितना घुमा दिया। तो लेकिन है बड़ी सीधी सादी सी बात। तो सर ये आ गया हमारा 2,30,000, आपका आ जाता है NAV। मैं शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, आप एग्जाम में कर सकते हैं और नोट देना है आपने इन सभी चीज का, जिसका भी एब्रिविएशन यूज करेंगे। सर 24A और सर 24B, 24A देखा जाए 30% बाद में निकाल लेंगे, 24B मेजर है। आप देख रहे हो सवाल के अंदर एग्जामिनर के पास कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज है इंटरेस्ट पूछ लो। जिसको इंटरेस्ट आ गया मैं बोलता हूं उसको HP आ गया, सिंपल सी बात है। तो अब इंटरेस्ट में देखा जाए तो घर इसने करंट ईयर में कंप्लीट किया, तो करंट ईयर का PCP तो होगा नहीं। तो करंट ईयर जो हमारा बन के निकल के आता है इस सवाल के अंदर, वो करंट ईयर कब निकल के आता है बन के, हमें निकालना है 20 और 21। ठीक है, तो सर 20 और 21 के अंदर तो घर बन गया, तो ये तो पीसीपी में नहीं जाएगा। इससे पहले आ जाते हैं हम 19 और 20, लोन लिया 15 में, इससे पहले आ जाते हैं 18 और 19, ये भी पीसीपी का पार्ट है। इससे पहले आ जाते हैं 17 और 18, ये भी पीसीपी का पार्ट है, ध्यान देते जाइए। या फिर मैं लाइन लेके कर दूं, ऐसे समझ में आ रहा है। इससे पहले आ जाएगा हमारा 16 और 17, ये भी पीसीपी का पार्ट है। अच्छा उल्टी गिनती में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सर कहता है कि सितंबर 15 में करा, तो ये सितंबर 15 नहीं है, ये सितंबर 15 नहीं है, यहां तो 31 मार्च 15 ही है, बोलता है सितंबर 15 में। तो सितंबर 15 की बात करें तो ये कहां से अच्छा गलत करा दिया, वही मैं देख रहा हूं। ये क्या होगा 18 19 17 18, अब क्या होगा 16 17, अब होगा 15 16। कुछ बच्चों को हो सकता है समहाउ दिखे ना, मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा। तो देखिए 15 और 16 में तो लोन लिया गया है ना, 15 और 16 में कितने महीने के लिए लोन पे रहा, ये सितंबर में ले लिया था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने हो रहे हैं, कितने महीने 7 महीने, महीने काउंट, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, ये तो हो गए लोन के महीने। अब लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं हम। सर कुछ दिनों तक इसने रीपेड कर दिया 31/3/18, यानी 31/3/18 की बात करें तो यहां, तो यहां से जो लोन है ना मेरा वो लोन चलेगा 8 लाख रुपए का, और यहां से लोन रहेगा, पहले तो इन बातों को समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में लोन लिया कोई रीपे नहीं किया, चलता गया, 31 मार्च 2018 में हमने पैसे दे दिए 2 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 2018 और 19 के अंदर देखा जाए तो हमारे ऊपर कर्जा अब 10 नहीं रहा, 8 तो अब 8, यानी पीसीपी जब निकालेंगे तो सर इसके ऊपर अलग इंटरेस्ट निकाला जाएगा और इसके ऊपर अलग निकाला जाएगा इसके ऊपर। तो हम उन सभी को दोनों सेक्शन को जोड़ देंगे इंटरेस्ट निकाल के, और फिर 1/2 क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे, और करंट ईयर वाला तो पूरा का पूरा निकलेगा ही निकलेगा जो कि करंट ईयर का होता है। इसके लिए तो हमें कोई भी 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो सर हम पहले निकाल लेते हैं 10 10 10, 3 बार है आपका, तो 10 लाख पे इनटू में, समझिएगा 10 लाख पे इनटू में कितने परसेंट था 12 12/100, और यहां से यहां तक 10 लाख वाले कितने महीने हैं वो गिन लीजिए, 12 12 24 और 7, 24 और 7 31, तो सर 31 महीने तो ये चला हमारा। ठीक है सर, दूसरा कंडीशन आया अब 8 8 लाख चलेगा, 8 लाख कितने महीने चला, सिर्फ 2 साल है ना, 2 साल पूरे पूरे, तो 10 लाख इसका पहले का 62,000, दूसरे का 8, सर इस सवाल को इधर ले जाया जाए, बच्चे बोल रहे हैं कुछ देखने का। चलिए अब टोटल बन गया 1 लाख
पहले तो आप पीसीपी को समझ लीजिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। करंट ईयर का तो कोई बड़ी बात नहीं है, पीसीपी समझिए। नवीन कहते हैं, सॉरी नसरीम परवीन कहते हैं कि सर एमटी फिर से बता दो। एमटी नसरीम, आपने अगर पहले क्लास ली होगी तो ये सवाल आता ही नहीं, फिर भी आपको जो डाउट है एक बार बताइए, मैं फिर दोबारा ले लेता हूँ। अभी यहां तक बताइए, कोई दिक्कत है तो। यहां तक कोई समस्या बता दो। पीसीपी थोड़ा सा इसमें घुमाया आपको सर। थ्री मल्टीप्लाई, थ्री से मल्टीप्लाई, कहां पे थ्री से करा भाई मैंने मल्टीप्लाई? आप कहां की बात कर रहे हैं थ्री से मल्टीप्लाई? हर्षित कहां से बात कर रहे हैं आप? सर एमटी फिर से बता दो, उसके बाद हर्षित का क्वेश्चन आया कि थ्री से मल्टीप्लाई। किसी को तो करा नहीं मैंने। हाँ सर, 10 लाख को 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, ये कहना चाहते हैं सर 10 लाख 3 सालों तक है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा जरूरत नहीं। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आप वो थोड़ी लोगे 24/ या 31/, वो नहीं लेना है। हम वैसे भी कहाँ करते थे, आप देखो 1 लाख का लोन रहता था, 5 साल तक चला तो हम 5 से थोड़ी मल्टीप्लाई करते थे, ये यही रहेगा। तभी तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, डिवाइड बाय 12 इसलिए तो किया है हमने। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था सर म्युनिसिपल टैक्स बता दो। तो म्युनिसिपल टैक्स में कहता है कि भैया इसने पेमेंट किया है टोटल 40,000, 40,000 में से सिर्फ जो पेड किया है ना वो 30 है। मैं दोबारा बता दूं, ड्यू था 40, मैंने पेड गलत वर्ड यूज ले लिया, ड्यू था 40, जिसमें से कितना दिया है सिर्फ 30, और 30 में से भी 20,000 तो भैया किरायेदार ने ही दिया है, टेनेंट ने, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। जो 20,000 तो ऑनर ने दिया है और 10,000 दिया है किराएदार ने, तो जो टेनेंट देता है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा और जो ऑनर देता है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सो दैट यहां 20 आ गया है। सर ये पीसीपी यानी सर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग की बात करें तो पीसीपी का आ गया हमारे पास 104400। अब करंट ईयर का भी तो होगा ना सर, करंट ईयर 8 लाख का लोन था ना, 8 लाख का निकालो ना 12%, 96,000, तो टोटल कितने का डिडक्शन मिलने वाला है? अब फटाफट से बस कैलकुलेट करना है, सवाल का आंसर निकालना है, फिर टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। तो सर पता है एग्जाम में इतना चालाक है ना, ये आ गया 196, माइनस ये भी लो लॉस में आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टोटल इनकम निकाल लें, सर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखिए 10 ईयर के अंदर ना मैंने फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखा है, फॉर्मेट कैसे करना है। यहां पे मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ऊपर नहीं लिख रहा, लेकिन एग्जाम में अगर आपने सब कुछ किया और मेरी तरह ऊपर नहीं लिख के आए तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके अंदर किन बातों के लिए नोट्स डालना है वो मैंने स्पेशल डलवाया है, क्योंकि देखो क्लास है, क्लास के अंदर अगर मैं नोट बनाता रहूं, फॉर्मेट बनाता रहूं, तो पता चला आधा घंटा तो इसी में चला गया, क्वेश्चन तो हुआ नहीं।
क्वेश्चन आपने समझ लिया, फॉर्मेटिंग तो आपको क्या है, एक बार जो फर्स्ट क्लास में बताया था वो आप आराम से देखोगे और आपका हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्मेट वही रहेगा, मैंने किस किस चीज का नोट देना है नहीं देना है वो चीज आप जो नोट दे रखा है उसका हमें देना ही देना है, किसका वर्किंग नोट करना है नहीं करना। यानी सर मैंने सवाल जो पेपर में 10 ईयर के अंदर जो सॉल्व किया है 100% एग्जाम में जो लिखना है उसी के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा और बहुत कम भी नहीं रखा। कुछ बच्चे सोचे कि 10 ईयर में तो दे रखा है एक्स्ट्रा, इसको छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन तो मन में ही कर लेंगे, ये तो मार्क्स कटेंगे उसके, ध्यान रखिएगा। तो पूरा पूरा करना है आपने। तो सर सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि इनकम तो नहीं था लेकिन लॉस था, तो लॉस ही लिख लेते हैं सर, ये हमारा लॉस है। और लॉस कितने का था सर? सर लॉस आया था हमारा 35,400, 35,400 प्लस कर देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसने बोला था अदर सोर्स से है, सर कितने का था? बड़ा मोटा अमाउंट था, 5,24,000। तो हमें अलाउड है कि भैया अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, तो 35 माइनस में 5,24, तो सर 4,88,600 है। अब ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, अब इसमें से माइनस करेंगे हम डिडक्शन। सर डिडक्शन किसका? एटीसी का भी मिल सकता है, प्रिंसिपल पेमेंट किया हो तो। तो क्या सर प्रिंसिपल पेमेंट किया है सवाल में? जी हाँ सर प्रिंसिपल पेमेंट किया है, लेकिन इस साल नहीं किया, पहले किया था, तो जब किया था तब डिडक्शन ले लिया होगा, बार बार थोड़ी ले लेंगे एक ही का। तो एटीसी का डिडक्शन यहाँ पे नहीं है। ATDD का आप नोट उठा के देखिए, ATDD में क्या लिखा था, ATDDB में कि एक सर्टेन आपका हैंडीकैप अगर इतने परसेंट रहता है तो उसके लिए हम लेंगे 40,000, बाकी के लिए हमने बताया था। तो यहाँ पे सवाल में कहता है पेमेंट कितना भी हो रिस्पेक्टिव हो, याद आया कुछ? देखिए आप रजिस्टर ओपन करिए, लिखा तो रजिस्टर में ही होगा। एक बच्चे का आंसर आ गया सर, नो डिडक्शन एज एक्स इज नॉन रेजिडेंस। क्या कर दे थोड़ा सा सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए, मां कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। भाई आप सभी 10 ईयर क्यों नहीं ले रहे, आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? आज सवाल बुक से होंगे, शाम को काफी बच्चे सोच रहे हैं सर बुक से तो कुछ करा ही नहीं रहे, हमने फालतू में ले लिया है ना। आज बुक से सवाल होंगे, चिंता मत करो, बहुत सारे सवाल बुक से भी कराने हैं। नहीं, बुक जरूरी है। नहीं, सब सही है, कमीशन ऐड होता है। सर जवाब आ गया बच्चों का, ATDDB में इसमें सिर्फ रेजिडेंट होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट को अलाउड नहीं था, 40 और 1,00,000 का था इसके अंदर लिमिट। तो क्या यहां पे डिडक्शन मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बुक से सिर्फ अपेंडिक्स करना है, हाँ बुक से देखो, अपेंडिक्स प्रैक्टिस के लिए करो, और कई क्वेश्चंस भी हैं आपके बीच बीच में जो कि मैं बार बार करवाता रहता हूं, उसमें से कुछ सवाल देना स्टार्ट कर दूंगा। आज शाम को जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो बुक से होंगे, तो बुक के क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बताऊंगा, आपके आपके ग्रीस आहूजा बुक में भी होगा, वो आप मैच कर लोगे, ठीक है ना। बुक से अपेंडिक्स कर लिया तो सब कुछ, 10 ईयर और अपेंडिक्स कर लिया तो आपका कुछ बचता नहीं है फिर, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे सवाल में नॉन रेजिडेंट था, तो सवाल में देखो कितना ज्यादा उसने क्या करा, आपको स्पेशली बताया कि ATDDB है तो माइनस करो। एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे को हम सेक्शन भी बता दें, तो बच्चे ने दिखा रहे हाँ ये तो था, कुछ पढ़ा था, चलो फटाफट 30,000, लेकिन बच्चों के दिमाग में ये नहीं रहेगा कि नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, वो सिर्फ था रेजिडेंट के लिए। तो सर यहाँ पे कोई डिडक्शन है नहीं, जीरो का
सर अब आ गया हमारा टैक्सेबल इनकम, और सर टैक्सेबल इनकम मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे टैक्स लाइबिलिटी निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आपको पता चल गया होगा इसका टैक्स लाइबिलिटी बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि सब कुछ निकालेंगे अल्टीमेटली 87A आ जाएगा जीरो। हाँ अब जो बच्चे पर्सनल टैक्स प्लानिंग के होंगे ना, उनसे एग्जाम में पता पता क्या पूछेगा, एसएससी ने ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम कौन सा ऑप्ट करे आप बताइए। तो भैया एसएससी को वो ऑप्ट करना चाहिए जिसके अंदर टैक्स ना आए, इसके अंदर तो नहीं आ रहा। अगर न्यू रिज्यूम एसएससी ने ऑप्ट किया तो वो फंस जाएगा, ये नहीं मिलेगा, फंस गया यहां पे, और ये नहीं मिलेगा तो ऐसे इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ के वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें समझ में आ गया देख के तो हम बता देंगे, हमें ओल्ड रिज्यूम वाला तो ये मैंने करा ही, न्यू रिज्यूम से दोबारा सवाल को सॉल्व करना है, रीजन देना है कि नो न्यू रिज्यूम के हिसाब से 24B नहीं मिलता, उसके बाद फिर उसका हमें सारा कैलकुलेशन करके बताना है, लास्ट में हमें डिसीजन देना होता है कि न्यू रिज्यूम के अकॉर्डिंगली इतना टैक्स देना पड़ रहा है, ओल्ड रिज्यूम में तो हमें टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा था, तो इसलिए एसएससी को शुड ऑप्ट ओल्ड रिज्यूम, यही तो प्लानिंग है, इसी को बोलते हैं पर्सनल टैक्स प्लानिंग। उसके अंदर ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ओल्ड रिज्यूम न्यू रिज्यूम, या बोल दिया जाएगा एसएससी अगर इसमें जो घर इसने वैकेंसी दिया था वो वैकेंसी में सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह लेता तो क्या होता, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स दिया जाता है आपको बस, तो सर ये सवाल भी आपका खत्म हो जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात कर दूं, काफी बच्चे परेशान हैं कि सर सेमेस्टर 3 में क्या होना चाहिए और सेमेस्टर 4 में क्या होना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम ये है सारी कि सर सेमेस्टर 3 में क्या ले और सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर 4 भी अभी भरा जाएगा, प्रोग्राम का भी आ गया है आज सुबह सुबह, ऑनर्स का भी आ गया था, तो मैं दोनों का एक डैशबोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पूरे डिटेल में बता देता हूँ। तो क्लास को एंड कर देते हैं और दोबारा से मैं रीज्वाइनिंग का अभी आपके पास ऑप्शन आएगा, जिसको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट बेनिफिशियल है, अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं रिकॉर्डिंग करके अभी अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है ना। सर पेज नंबर लोन अमाउंट मी डाउट है, सर पेज नंबर ग्रीस आहूजा में कौन से 522 निकालना है एक बार, ग्रीस आहूजा जिसके पास है 522 क्या लोन अमाउंट में डाउट है। सर पर्सनल टैक्स प्लानिंग सोचा है, अच्छा ऑनर्स हर्षित, ऑनर्स है प्रोग्राम है बताओ एक बार, ग्रीस आहूजा की बुक आपके पास, लोन वाला है देखना है इसमें, ऑनर्स का ही है। क्वेश्चन नंबर बता दो हर्षित, सर कॉलेज में सिंघानिया यूज करवा रहे हैं ईशान अग्रवाल, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंघानिया के भी सवाल कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको ये चैप्टर सिखाना है, और जब आप कोई चीजें सीख जाते हो, अगर आप दौड़ना सीख गए रनिंग करना सीख गए, तो इससे मैटर नहीं करता ना कि आपको रोड पे दौड़वाया जाए या फिर आपको कहाँ चलवाया जाए, बच्चा होता है चलना सीख गया कहीं भी चलेगा। सेम मेरा मेन पर्पस है आपके लिए कि आपको चैप्टर सिखा देना, अब वट एवर कोई सी भी बुक हो, चाहे सिंघानिया हो चाहे ग्रीस आहूजा हो चाहे अदर किसी भी स्टेट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई सा भी बुक है आप सवाल उसको कर पाएंगे, बस सवाल यही है। लेकिन हाँ एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि हर साल ये रिवाइज होता है, तो कई बार मैं वीडियो को अगर यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ तो बहुत पुराने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि सर ने ये बताइए, तो पुरानी वीडियो से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, पुरानी किताब से नहीं पढ़ना, नहीं तो बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो चीजें अमेंडमेंट हो चुका है फिर वो कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए नई चीजें रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हर्षित का कहना है, दिखाओ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या डाउट है दिखाना। अरे ऐसे कैसे हो गया ये,
540। हाँ 500, देखें कौन सा बोला था, 28 कह रहा है, 522, 28 है ना सर, 28 क्वेश्चन है। अरे ये तो सैलरी का है, तो कहता है कि लोन 4 का था, पर्सनल पर्पस के लिए 10% रिसीव, 1/6/2021 पेबल, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो सर इक्वल अमाउंट 31/12, एसबीआई का रेट 16% है, तो इसमें क्या दिक्कत आई है बताओ हर्षित, इसमें क्या दिक्कत आई है? वैसे ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ही नहीं है, ये है सैलरी का। और सवाल में कहता है सर यहां पे लोन लिया था 4 लाख रुपए का, पर्सनल पर्पस के लिए 10% का अमाउंट रिसीव्ड कर चुका है, और एनएम के हिसाब से तो सर 2% और एसबीआई का रेट 16 है, तो 6% टैक्सेबल हो जाएगा, और किस्तें बोलिए 5, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 करोगे अगर, तो आपका 80-80 हजार की किस्तें बनेगी, तो आप 80-80 हजार हर बार कम करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप एक बार इसका सॉल्यूशन भेजना आपने जिस पे कराना है, लेकिन हाँ बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया साफ साफ थोड़ा सा प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में भेजना ताकि मैं बता पाऊं।